तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख। हम आपसे रूबरू कराते एक ऐसे शख्स से जिनकी लाइफ पहले पूरी क्रिमिनल काम में गई है और उसके बाद में इनकी लाइफ में एकदम से चेंजिंग जो आई है उसका कारण क्या है और इन्होंने जो क्राइम किया उसका रीज़न क्या है, हम आपको बताएंगे इन्हीं की ज़ुबानी कि क्या कारण था। जो इनका कहना है कि ये उस वक्त 13-14 साल के थे और 13-14 साल की उम्र में इन्होंने जो क्राइम किया है तो उसका रीज़न क्या है उस क्राइम का, तो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनके क्राइम करने का मकसद क्या था और जब इन्होंने क्राइम की दुनिया छोड़ी तो इनके दिमाग में ऐसी क्या बात आई कि नहीं मुझे अब ये क्राइम का रास्ता छोड़ना है और अच्छे कामों पर चलना है। तो आपका नाम बताइए पहले। मेरे दो नाम है, एक आध्यात्मिक नाम है मेरा धर्मचारी श्रवण मित्र और मेरे माता पिता का नाम है बुद्ध रक्षित। तो ऐसे दो नामों से मैं नागपुर में जाना जाता हूँ। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आज जैसा कि हमें मालूम पड़ा कि आप पहले बहुत क्राइम करते थे, आपकी एक टीम थी और आपने ये क्राइम का रास्ता क्यों चुना? तो दोस्तों, मुझे ये बताते समय बड़ी खुशी भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है। हमारा जो परिवार था वो बहुत बड़ा परिवार था। मेरे पिताजी को 18 बच्चे थे और उन 18 बच्चों में से मैं बहुत ही छोटा था और मेरी एक बहन थी वो बहुत ही छोटी थी। क्राइम तो हम करने के पहले हमारे घर में खाने को नहीं रहता था, तो जब मैं स्कूल से आता था तो मेरी बहन और हम दोनों भूखे पैसे रहते थे। तो मेरी बहन अपंग थी और वो मुझे बोलती थी कि भैया खाने के लिए कुछ करो। तो फिर मैंने खाना ढूंढने के लिए निकला तो मुझे थोड़े से क्रिमिनल लोग सपड़े, जो छोटे छोटे ही बच्चे थे लेकिन क्रिमिनल थे, तो उनके साथ में मुझे जाना पड़ा। फिर वो चोरी करते थे, किसी को मारते थे और किसी के पैसे छीनते थे और मुझे भी उस पैसों में से कुछ देते थे। मैं उनके साथ में ही रहता था लेकिन मेरे उन दोस्तों को बस्ती के लोगों ने जला के मार दिए। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सीख मिला, मैं डर भी गया। मुझे अंदर ही अंदर ध्यान में आया कि ये काम थोड़ा सा गलत है। कितने लोगों को जला के मारे थे? करीब मेरे सामने में उन्होंने दो लोगों को जला के मारे थे। ये कहाँ का वाक्य है, किस एरिया का है? एक पंचशील नगर का है और एक महेंद्र नगर का है। ये कितने साल पहले की बात है? तब करीब मैं 12 साल का था और अभी वो साल तो नहीं मालूम लेकिन अभी मैं जैसे 45 ईयर का था तो शायद वो 80-85 का काल होगा। तो पुलिस ने कभी आपको अरेस्ट किया है? नहीं, मैं यानी उनके साथ में रहता था लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय, उस ज़माने में भी मेरे को पढ़ाई का बहुत इंटरेस्ट था और स्कूल में मैं पहला नंबर से पास होता था। केवल पेट की आग बुझाने के लिए उनके साथ में मैं रहता था और हमारा टाइमिंग फिक्स रहता था कि भाई मैं आपके साथ में 2 घंटे रहूँगा, मुझे जो देना है आप दीजिए और उसके बाद मैं सीधा लाइब्रेरी भाग जाता था। तो मेरा कभी पुलिसों के साथ में कोई सामना नहीं हुआ। पुलिस के सामना नहीं हुआ आपका? नहीं। तो फिर आपने इनका साथ कैसा छोड़ा? आपके दिमाग में क्या आया ऐसी चीज़ कि नहीं ये क्राइम का रास्ता मुझे छोड़ना पड़ेगा और ये क्राइम जो कर रहे हैं ये गलत रास्ता है और मुझे ये रास्ते पर चलना नहीं? तो आपके दिमाग में ये बात कैसा आपने उन दोस्तों का साथ छोड़ा? तो सबसे पहले जैसे कि मेरे गले में जो पट्टा है तो ऐसा ही पट्टा पहनकर एक आदमी था और उसके बेटे को हमने जाम के लिए थोड़ा सा उससे झगड़ा किया, उसको मारे हमने। तो वो आदमी ने मुझे समझाया कि भाई ये बेटा ये ऐसे काम मत कर, कुछ जीवन में अच्छा कुछ बन। तो उसने मुझे एक कराटे क्लास में भेजा, जो कराटे का क्लास त्रिरत्न बौद्ध महासंघ चलाती थी। उस कराटे क्लास में जैसे मैं पहले ही दिन वहाँ जब गया तो वहाँ पे मुझे मिले धम्मचारी अमोक सिद्धि, जो ऐसा ही एक पट्टा वो गले में पहनते थे। उस धम्मचारी अमोक सिद्धि ने मुझे बाबा साहब का जो महत्व है, बाबा साहब ने समाज के लिए जो कुछ किया उसका वैल्यू उसने उसी दिन हमें सिखाया और वह पहला ही दिन मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा सार्थक रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अपने मन को और अच्छा परिवर्तित कर सकते हैं और उसने तुरंत मुझे बताया कि भाई नागपुर के नज़ीक बोरधरण करके एक शिविर केंद्र है, आप वहाँ जाइए, वहाँ ध्यान कीजिए, शायद आपका मन और ज़्यादा परिवर्तित होगा। और मैं फिर सेंटिंग के काम को गया और सेंटिंग के काम से जो पैसा मुझे मिला, क्योंकि मैंने
वह पहले दिन जब मैं कराते क्लास में गया तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं जीवन में आज के बाद किसी के चोरी के पैसे से मैं अपना जीवन नहीं बनाऊंगा, झूठे पैसे से मैं अपना जीवन नहीं बनाऊंगा। और तभी मैंने संकल्प कर लिया था उसी कराटे क्लास में कि मैं मेहनत से सामने बढ़ूंगा। तो वो शिविर करने के लिए भी मैं सेंटिंग के काम को गया और उस वहाँ से जो पैसा मिला उस पैसे से मैंने वो शिविर किया। लेकिन उस शिविर में मुझे इंसान किसको कहते हैं और इंसान के जीवन का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल होता है वह क्या होता है वह वहाँ पर मुझे सीखने के लिए मिला। सबसे बड़ा मुझे प्रिंसिपल मिला कि भारत ये हमारा देश है और सारे भारतीय हमारे बहन भाई है और इन बहन भाइयों को मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो तब से मैं मुझे याद पड़ता है कि जब वो शिविर से मैं आया तो मुझे दो दोस्त मिले। एक दोस्त मिला मुझे किताबें और दूसरा दोस्त मिला मुझे मेहनत करके कुछ कमाना है। तो मैं कभी सेंटिंग के काम को जाता था तो जो शादियों में लाइट पकड़ के जो बच्चे काम करते हैं तो कभी वो मेहनत का काम करता था, और तीसरा मैं लाइब्रेरी में रात दिन लाइब्रेरी जाता था। तो मेरे इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की वजह से मैं 12वीं में मेरिट में आया। 92 में मैं मॉरिस कॉलेज से मेरिट में आया। तो एक पढ़ाई का एक बहुत ज़बरदस्त शक्ति मुझे शिविरों से मिली और अपने जीवन में कुछ करने की जो क्षमता है वह भी मुझे शिविर से ही मिली। तो अभी आपको ये क्राइम का जो आपने रास्ता छोड़े है तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं आप? आपकी वो लाइफ अच्छी थी या ये लाइफ अच्छी है? मुझे सबसे ज़्यादा जो रिक्शे वाला आदमी है, मैं LLB की भी पढ़ाई करता था लेकिन तब भी मेरे दिमाग में वही लगता था कि भाई मेहनत का ही पैसा सबसे श्रेष्ठ होता है। तो दुनिया में अगर मैं किसी आदमी की अगर पूजा करता हूँ तो वह है रिक्शा चलाने वाला आदमी। वह अपना मेहनत करता है और अपने पैसे कमाता है। आज मैं सोशल वर्कर भी हूँ पर सोशल वर्कर करके जब मैं काम करता हूँ लेकिन मेरा खुद का जो पेट है वह मैं दूसरा काम करके अपना पेट पालता हूँ। मैं एक प्रकाशन का काम करता हूँ, पूरे भारत में किताबें सेल्स एग्जीक्यूटिव करके मैं काम करता हूँ। एक त्रिरत्न ग्रंथमाला करके एक नाम है, किताबों का एक बहुत बड़ा यानी मॉब है, उस किताबों को मैं पूरे भारत में बेचता हूँ। और जो बचा हुआ समय है वह समय में मैं झोपड़पट्टी के बच्चों को कराटे पढ़ाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाता हूँ, उनके संगीत के क्लासेस लेता हूँ। और अभी ये लॉकडाउन में कई लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है तो ऐसे करीब मैंने 2500 परिवारों को मैंने हेल्प किया, गए लॉकडाउन में 1700 लोगों को, और इस लॉकडाउन में करीब मैं 300 परिवारों को अभी तक के मदद किया हूँ और आने वाले दिनों में और मैं 50 से 60 परिवारों को मदद करने की जिम्मेदारी स्वीकार किया है। तो इस तरीके से मैं बहुत खुश हूँ, अभी जैसा कि आपने ये सब रास्ता छोड़ा है और आप लोगों की भी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो लोगों की दुआएं भी आपके साथ में हैं। और अभी आपका इसके आगे क्या एम है, क्या और आप क्या क्या करने वाले हैं लोगों के भलाई के लिए? और साथ ही में जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का भाव इतना बढ़ चुका है कि आम इंसान की कमर टूट चुकी है। जो 300-400 रुपए रोज़ी कमा रहा है अगर से वो 105 रुपए का पेट्रोल भर ले तो उसके घर में वो क्या लाएगा, हाँ इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और खाने के तेल देखो आप, दाल देखो, इन सारी चीज़ों का आप रेट देख लीजिए कि आज आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो अपने परिवार को क्या खिलाएगा और वो खुद क्या खाएगा। जैसा कि हम ये सवाल करते हैं सरकार से कि भाई पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया तो वो बाहर का बोलते हैं कि हम बाहर से लाते हैं तेल, उसका इतना टैक्स है उतना टैक्स है, तो भाई खाने का तेल तो बाहर से नहीं आ रहा हमारे वहाँ, तो फिर ये इसकी जो काला बाजारी हो रही, इतनी जो महंगाई हो रही, हम काला बाजारी ही कहेंगे एक हिसाब से, कि जो इतनी महंगाई हो रही तेल के ऊपर, हर खाने की चीज़ के ऊपर, तो प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये जो देश जो चलाया जाता है तो देश चलाने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं क्या, तो शायद वो दो चार जो जितने भी लोग हैं ना, वो मिलीजुली सरकार जिसको हम कहते हैं वह चल रहा है नहीं क्या। अगर किसी को माँ है, किसी को बेटा है, किसी को भाई है, हर आदमी अपने भाई को मदद करना चाहता है, उसकी माँ के कोख से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने भाई के लिए अपना घर भी देना चाहता है, अपनी जान भी देना चाहता है। मुझे लगता है कहीं तो भी भारत की जो सोच है, भारत के जो बड़े बड़े नेता है उनकी सोच में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है।
नहीं क्या? अगर उनके दिल में अगर मोहब्बत है, दोस्ती है, भाईचारा है, तो ये जितनी महंगाई चल रही ना, तो ये महंगाई नहीं आएगी, नहीं क्या? कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे लगता है अगर हम सब लोगों ने मिलकर इस पर अगर सोल्यूशन निकाले तो सोल्यूशन निकल सकता है। अभी जो मैं ये जो गेहूँ चावल दे रहा हूँ, परसों के दिन मैं एक झोपड़पट्टी में नाइक तालाब के पास में खड़ा था, तो एक बूढ़ी औरत जब उस दुकान में आई और उस दुकानदार को बोली, बेटा मुझे एक रुपये का तेल मिलेगा क्या? तो मेरे आँखों से बहुत बहुत रोया मैं कि आज मेरे समाज के पास में, मेरे माँ के पास में केवल एक रुपया है और एक रुपये का तेल दुकानदार दे नहीं सकता। बेचारी वह दुकान से वापस रोते रोते जा रही थी। अच्छा था कि मेरे पास में 20 रुपये थे, तो मैंने उस मेरी माँ को तेल लेके दिया जबकि उसके घर का खाना बना। तो निश्चित ही यानी हमारा काम है लोगों को यानी कुछ देना, नहीं क्या? देना ये भारत की सबसे बड़ी शान है, तो इस पर यानी सभी ने मिलकर सोचना चाहिए, नहीं क्या? यानी कोई आवश्यकता नहीं पेट्रोल इतना महंगा होना, मैं भी उसके विरोध में हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों ने यानी मेहनत करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। जो आदमी व्यापारी होता है वो छोटे मोटे चीज़ों को डरता नहीं है, नहीं क्या? क्योंकि व्यापारी आदमी दो पैसे कमाने की हमेशा ताकत रखता है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करता हूँ और व्यापार करने के वजह से मैं शादियों में डेकोरेशन सजाता हूँ, तो डेकोरेशन सजाने के वजह से मुझे 2-4 रुपये मिल जाते हैं, तो उस पैसों के बल पे मैं मेरे बच्चों का एजुकेशन कर सकता हूँ और मेरी जो ज़रूरतें हैं वह भी मैं पूरी कर सकता हूँ। तो निश्चित ही सरकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर हम लोगों ने अपनी परिस्थिति पर रोना नहीं है, हमारे परिस्थिति से हमें मार्ग निकालना है। बड़े बड़े लेखक कहते हैं कि माँ के कोख से कोई अमीर या गरीब नहीं बनता है, अगर उसकी सोच कैसी है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है। तो हमने हमारे सोच को अमीर बनाना है, अगर हमारी सोच अगर अमीर है तो सारी दुनिया की समस्या सॉल्व हो सकती है, तो यही मुझे कहना है। अभी आपको जैसा बता रहे थे कि आपका कुछ हितवादा पेपर के अंदर और कुछ क्या आया था, आप क्या क्या बताना चाहते हैं? तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हितवाद की एक जाहिरात है। मैं कुछ साल पहले 2007 में जो बच्चे एजुकेशन छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को मैं रोज़गार देता था ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो। तो मेरे बच्चे घर घर जाके कार वॉशिंग करते थे और उनको मैं एजुकेशन के लिए हेल्प करता था। तो इस प्रकार से ये मेरे पेपर की जाहिरात है। उसके साथ साथ मैं केवल इतना ही काम नहीं करता था, तो मैं बच्चों को रोज़गार देता था और जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं उनको कराटे, इंग्लिश स्पीकिंग, चित्रकला, ऐसे मैं शिविरें लेता था। तो मेरा झोपड़पट्टियों से पहले से ही नाता रहा है और उनके साथ में मेरा बहुत अच्छा भाईचारा है। हिरवी नगर, मिनी माता नगर, भांडेवाड़ी, इस साइड में मेरे कई बच्चे हैं, कई विद्यार्थी है, कोई अभी डॉक्टर बना है, तो कोई रेलवे में गया है, तो कोई नर्स बनी है, तो कोई डॉक्टर का कोर्स कर रही है। तो मेरे करीब ऐसे 40-50 बच्चे हैं जो आज अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो क्रिमिनल मार्ग छोड़ दिया और अच्छे मार्ग में आने के वजह से करीब 40-50 बच्चों की मैं ज़िंदगी बना सका। तो अच्छाइयों के साथ में लोगों की ज़िंदगी भी बनती है। और जैसे आपने दूसरा प्रश्न किया था कि भाई आने वाले दिनों में तुम क्या सोच रहे हो, तो मैं आने वाले दिनों में सोच रहा हूँ कि ये कोरोना से जिनके माता पिता मर गए या जिनके बच्चे मर गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिनके मैंने बच्चे मर गए उन माँ के लिए मैं बेटा बन जाऊँ और ऐसे 2 माँ को मैं दत्तक लूँ और आने वाले दिनों में उनके पालन पोषण की पूरी जवाबदारी लूँ, तथा जिनके पास में रोजगार नहीं है उनके लिए मैं नया रोजगार तैयार करूं। ऐसी मेरी 2 तमन्नाएं हैं कि लोगों को रोजगार दूं और जिनका कोई नहीं उनके लिए यानी खाने की अरेंजमेंट करूं या उनका पालन पोषण की मैं जिम्मेदारी लूं। तो क्योंकि मेरे बाबा साहब जो मेरे गुरु है, मैं दिल से बाबा साहब को ही गुरु मानता हूं, और वो कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना, लोगों को खाना खिलाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा वो 1956 में जब उन्होंने दीक्षा दी तब उन्होंने एक 13वीं प्रतिज्ञा बोल दी। तो इस प्रकार से यानी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं समाज के लिए प्रैक्टिकल कुछ करूँ। मुझे थियोरेटिकल किताबों की भाषा पसंद नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल भाषा पसंद है। इस कोरोना में मैं करीब 270 परिवार तक के गया जो परिवार काफ़ी दुख में है, परेशानी में है, उन किसी के हस्बैंड मरे, किसी के बेटे मरे, और वहाँ तक के लोग जाने के लिए घबराते थे, उन गरीबों तक के मैं जाने की कोशिश किया। तो आज भी जो गरीब परिवार है वह आप लोगों की राह देख रहे हैं कि कोई तो भी आएगा
और उनको एक प्यार से दो शब्द बोलेगा। तो मैं ये अनाज देना मेरा सिर्फ निमित्त है, मैं तो उनसे सिर्फ बातें करने के लिए जाता हूँ। किसी को माँ कहता हूँ, किसी को बेटा कहता हूँ, किसी को भाई कहता हूँ, तो उनको इतनी खुशी होती है और उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पे भी खुशी आ जाती है। तो मुझे भूख नहीं लगती, जब उनके पास जाता हूँ तो मेरा खुद ब खुद ही पेट भर जाता है। तो ये नए प्रकार का खाना मैं खाता हूँ, उनके चेहरे की खुशी से मेरी जो खुशी है और बढ़ते जा रही है। तो निश्चित ही यही सबसे बड़ा काम है। तो ये थे शर्मन जी, के जिन्होंने क्राइम का रास्ता छोड़ के आज नेकियों का रास्ता अपनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्राइम की दुनिया में हैं, तो उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इस व्यक्ति से, इस इंसान से, कि जिन्होंने अपने परिवार के लिए जो गुनाह का रास्ता अपनाया था, आज ये लोगों के परिवार के लिए उस गुनाह के रास्ते को छोड़ के नेकियों के रास्ते पर निकले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बिना क्राइम किए। क्राइम का रास्ता जो है वो बहुत बुरा रास्ता है, इसका अंत भी बहुत बुरा होता है। तो तत्काल न्यूज़ लाइव नागपुर से मैं अब्दुल शेख।